घर है, यहाँ में आग लगा दिया। कि अगर ये ठंडा नहीं हुआ तो फिर क्या उपाय है सरकार के पास? जितना भी कुकी है मणिपुर में सब बाहर का ही है और वो सब मिलिटेंट्स है। We want NRC. हम लोग इस समय मणिपुर में हैं, स्थितियां बहुत ख़राब हैं। दो समुदाय एक दूसरे से लड़ रहे हैं लगातार, इसमें हथियारों का बदस्तूर उपयोग जारी है। एक दूसरे पर गोलियां चलाई जा रही हैं, एक दूसरे के घर जलाए जा रहे हैं, गाड़ियां रोकी जा रही हैं, उन्हें मारा पीटा जा रहा है, उन्हें जान से मार डाला जा रहा है। मणिपुर में ये सब एक या दो दिन में नहीं हो रहा है, लगभग ये महीने भर की टाइमलाइन है। इसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय भी है तो राज्य की सरकार भी है। सबकी काबिलियत पे सवाल उठाए जा रहे हैं और उठाए जाएंगे ही। जब इतनी लाशें गिर जाएं, इतने लोग बेघर हो जाएं, इतने लोग घायल हो जाएं, तो सवाल उठाए जाएंगे। राज्य में इंटरनेट बंद है, कर्फ्यू है, क्यों हुआ ऐसा? कौन किसके लिए ज़िम्मेदार है? कौन है इलीगल इमिग्रेंट और है भी कि नहीं? किसको किससे ज़्यादा दिक्कत है? झगड़ा किसने सबसे पहले शुरू किया? इन सवालों के सही जवाब जानने मैं और मेरे साथी विजय इसमें मणिपुर में हैं। खोजेंगे हम इन सारे सवालों के जवाब इस फाइनल रिपोर्ट में। तीस अप्रैल को मणिपुर हाईकोर्ट ने, मैं कोई झिझक के बगैर कह सकता हूँ, एक जल्दबाज फैसले के कारण यहाँ पर जातीय हिंसा और दो ग्रुपों के बीच में हिंसा की शुरुआत हुई। हिंसा होने के कारण और हिंसा में किसकी जिम्मेदारी है, इस सभी की जांच के लिए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस स्तर के रिटायर्ड न्यायाधीश का न्यायिक आयोग गठित कर जांच करेगा और ये जांच भारत सरकार की ओर से कराई जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर से जाते जाते कुछ वादे कर गए, जैसे हिंसा की जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में होगी, कुछ मामलों की जांच सीबीआई करेगी, जो मारे गए उनके घर वालों को 10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा, राज्यपाल की अध्यक्षता में शांति की स्थापना की जाएगी। जब 29 मई 2023 की रात अमित शाह मणिपुर पहुंचे तो चुराचंद्रपुर के रहने वाले डेविड और उसके पापा को एक ही सवाल खाए जा रहा था, क्या पूर्वोत्तर के राज्य में केंद्र सरकार की आमद स्थितियों को संभाल पाने में कामयाब होगी? ऐसा क्यों सोच रहे थे? क्योंकि डेविड के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। उसे पीटा गया था और मरा हुआ समझकर अस्पताल के मुर्दा घर में डाल दिया गया था। मुर्दा घर से डेविड जिंदा लौट कर आया था। 4 तारीख में मालिक का घर में मेते लोग 100 से भी ज़्यादा आया, हम लोग पकड़ के और आधार कार्ड भी पूछता है, देखता है, फिर बोला है कुकी, सब कुकी है, ऐसे बोल के मारता पीता शुरू हो गया। फिर बाबा ने हमको बचाया, हम 5 आदमी था, 5 आदमी के साथ 2 आदमी उन लोग ने छोड़ दिया, हमारा बच्चा और हमारा बेटा और दोस्त के साथ 3 आदमी पकड़ के मारने के लिए चला गया। हम लोग, हमारा आँखों के सामने हमारा बेटा, हमारा खून का बेटा को बचा नहीं सकता, हम ऐसे देख दिया, क्या करूं, इसका कसूर क्या है? मैं इतने लोग का सर क्या किया इसने, मैंने क्या किया? इन्फॉर्म में हमारा पेट भरने के लिए, पेट के लिए काम के लिए गया है, क्या कसूर है? हम लोग भी अभी होने वाला है, बर्मा भी जाने वाला है, भागने वाला है, मिजोरम में भी भागने वाला है, क्या है कि मणिपुर स्टेट फोर्स ने हम लोग के ऊपर में ऐसा, क्या बोलूँ, मारने के लिए कोशिश किया, कैसे रहूँ? हम लोग तो जीना चाहता हूँ, मरना नहीं चाहता है। ये मणिपुर की एक कहानी नहीं है, और भी इलाकों में ऐसा हुआ है। चुराचंद्रपुर के रहने वाले लोग बताते हैं कि उनके साथ कैसे हिंसा हुई, कैसे उन्हें घर से बेदखल किया गया और अब उनके पास पते के नाम पर बस एक रिलीफ कैंप का अहाता बचा हुआ है। ये कुकी मिलिटेंट है ना, हम लोग मणिपुरी का कितना बस 16 बस्ती है, वो लोगों को आग जलाया, घर को
जितना मणिपुरी है ना, सब एक ही टाइम में वो लोग आग जला के घर को, हम लोग को घर जला के घर में हम लोग, वो लोग ने भगाया है। हम 3 तारीख को आग जलाया है, शाम को 6 बजे, 6:30 बजे उस टाइम से वो लोग ने घर आग जलाने के लिए शुरू हुआ है। शुरू होने के टाइम में हम लोग उधर में दूसरा घर, हम जान बचाने के लिए कहाँ हम लोग भाग के, एक ही घर में छुप के रहता है। और 4 तारीख को 3:30 बजे उस टाइम में ये आर्मी आया है। इस तरह की कहानियाँ मणिपुर में अब आम हैं। मणिपुर में दो समुदायों के बीच खूनी खेल चल रहा है। मैतेई और कुकी समुदाय के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे पड़े हैं। समुदाय के बहुत सारे लोगों के सिर पर खून सवार है। इस खूनी लड़ाई में तमाम हथियार शामिल हैं, बारूद, बम, बंदूक, तलवार, चाकू और गुलेल। ये हथियार मणिपुर के गाँवों में अब घूमते रहते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति आई क्यों, इसके पीछे मणिपुर सरकार और मणिपुर हाईकोर्ट के कुछ फैसले हैं। सिलसिलेवार देखते हैं। 20 अप्रैल 2023 को मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वो मैतेई समुदाय को शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में शामिल करने पर विचार करे। ये मैतेई समुदाय की लंबे समय से चली आ रही एक मांग थी। बीरेन सिंह की सरकार ने नशे पर कार्रवाई करने की बात की, अफीम के बागानों पर कार्रवाई की जिससे स्थानीय आदिवासी किसानों को नुकसान हुआ। बीरेन सिंह की सरकार ने आरोप लगाया कि संरक्षित जंगलों में शरणार्थी गलत तरीके से आकर रह रहे हैं। सर्वे किया गया, बेदखली के अभियान चलाए गए, इससे जंगलों में रह रहे कुकी समुदाय के लोग बेघर हुए। सरकार ने दावा ठोका कि ये लोग गैर कानूनी तरीके से जंगलों में रह रहे थे। इसके साथ ही बीरेन सिंह की सरकार ने NRC की मांग छेड़ दी। इन सारे घटनाक्रमों के दरमियान 27 अप्रैल को सूबे के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को अगले दिन कुकी बहुल चुराचंदपुर में आना था एक ओपन जिम का उद्घाटन करने। इस समय तक दिल्ली के अखबारों को मणिपुर में पनप रहे तनाव की खबर बहुत कम थी। अचानक से रात में बीरेन सिंह के कार्यक्रम स्थल को तबाह कर दिया गया, जिम को आग के हवाले कर दिया गया। प्रशासन को भी पता लग गया था कि ये कोई छोटी झड़प नहीं थी, क्योंकि तुरंत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई और मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। हर जगह पुलिस वाले दिखाई देने लगे। अगले 2 दिनों तक आगजनी, हिंसक झड़पें और तोड़फोड़ की खबरें सुनाई देती रहीं। कुछ एक दिनों की शांति के बाद हिंसा में एक निर्णायक मोड़ आया जब कैलेंडर में तारीख लगी 3 मई 2023 की। इस दिन छात्र संगठन ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर ने आदिवासी एकजुटता मार्च का आह्वान किया था। ये मार्च मैतेई समुदाय की ST कैटेगरी में शामिल होने की मांग के खिलाफ था। अलग अलग इलाकों में रैली निकाली गई, लेकिन कुछ इलाकों में हिंसा फिर से शुरू हुई, क्योंकि आसुम में कुकी समुदाय के लोग ज्यादा थे। तो ठीक इस मौके पर मणिपुर की पूरी हिंसा कुकी बनाम मैतेई में बदल गई। कर्फ्यू लगा दिया गया, इंटरनेट भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया। 4 मई को मणिपुर सरकार ने बलवाकारियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए। लगभग महीने भर से चल रहे कर्फ्यू से ऐसे हालात आ गए कि पेट्रोल पंप पर लाइनें लगने लगीं। पेट्रोल पंप के बाहर ब्लैक में पेट्रोल बिकने लगा और ज़रूरी चीज़ों के दाम 2-3 गुने बढ़ गए। जिस शहर में सड़कें जाम रहती थीं, उस शहर में सड़कें एकदम खाली हो गई। सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया। अलग अलग अखबारों में आ रहे आंकड़ों के मुताबिक इस पूरी हिंसा में महीने भर में लगभग 100 लोग मारे जा चुके हैं। हर हिंसा की तरह सरकारी आंकड़े और लोगों की बातों से निकले आंकड़ों में बहुत बड़ा अंतर है। कई 100 लोग घायल हैं और हजारों की संख्या में लोग अपने अपने घरों से विस्थापित हो चुके हैं। अब विवाद को और करीब से समझने के लिए दोनों पक्षों को समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि कौन है मैतेई समुदाय? मैतेई लोगों को चाहिए क्या? वो कौन हैं? कब से आए हैं यहाँ पे? कब से बसे हैं? उनका राजघरानों से क्या रिश्ता है? इन सब सवालों के जवाब भी थोड़ा जानना चाहिए हमें, तभी आगे की कहानी समझ में आती है। मैतेई मणिपुर का सबसे बड़ा समुदाय है, राज्य के शासन प्रशासन में प्रभावी भी है। विधानसभा की 60 में से 40 सीटों पर इनका दबदबा है। राज्य के सिस्टम को भी मैतेई काफी प्रभावी तरीके से कंट्रोल करते हैं, लेकिन उनके पास जनजातीय दर्जा नहीं है। मैतेईज आर द अर्लियर व्हाट यू कॉल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए ह्यूज नंबर ऑफ ट्राइब्स एंड कम्युनिटीज टुगेदर who inhabited the
plains as well as the hills. As much as some 34 or 40 odd ethnic communities live together, work together, share their history together. And the Métis actually inhabit the entire valley portions of this kingdom. The Métis were original inheritors of the plains of Manipur. अब इस विवाद का दूसरा पक्ष है कुकी लोगों का. कौन है कुकी लोग और उनका इस पूरे विवाद से और इस पूरी जमीन से कैसा जुड़ाव है? The name cookie is given by the Bengalis from Chittagong. They were spread in a very far geographical spread, this cookie themselves. They were supposed to have been named cookies by the Bengalis, who were much more decent, which was much more more able to know things better. And the name cookie was used by the British when they have spread from Chittagong to Assam, to Manipur Hills, and to Burma as well. So they are very much spread elsewhere, and they had become inhabitants of the hills. Yeah, the Kukis are one of the ethnic groups of the larger Kukichin Mijo family. So we are inhabiting these landmass, which are which travels around Bangladesh, Myanmar, and India. For instance, in Chittagong Hills tracks, we are in Jin Hills and Sagyang in Burma. We are in Manipur, southern part of Manipur. We are in Mizoram. We are in Barak Valley. We are also in Assam and Nagaland. But the Kukis who are presently being in the news or in the limelight, we are basically in the from the southern part of Manipur. And we are one of this community of the Laza Kukichin family. कुकी समुदाय के लोग तो आदिवासियों की अनुसूची में शामिल हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर उन पर बाहरी होने के आरोप लगाए जाते हैं. उन्हें कहा जाता है कि वो म्यांमार से भाग कर आए हैं. दोनों ही समुदाय बीते वक्त में खूनी दंगों में शामिल रह चुके हैं. जैसे नगाओं के साथ कुकी लोगों का युद्ध हुआ, तो मैतेई पंगाल यानी मुसलमानों के साथ मैतेई लोगों का. अब दोनों एक दूसरे के आमने सामने. लेकिन कौन कहाँ से आया की लड़ाई नहीं है, अब लड़ाई है जमीन की. इसको समझने के लिए मणिपुर का भूगोल समझना होगा, जनसंख्या का वितरण समझना होगा. मणिपुर का नक्शा देखें तो एक टेढ़ी मेढ़ी घाटी जैसा दिखता है. चारों ओर पहाड़ियां और बीच में पहाड़ की घाटी. इसी घाटी में इम्फाल मौजूद है और यहां सबसे अधिक मात्रा में मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं. आसपास की पहाड़ियों में कुकी और नगा जनजातियां रहती हैं. उखरुल और सेनापति के इलाकों को छोड़ दें तो पहाड़ों के पैरों यानी फुट हिल्स में लड़ाई जारी है. इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक इन इलाकों में कुकी और मैतेई समुदाय के लोग एक दूसरे पर गोलीबारी कर रहे थे, एक दूसरे की लाशें गिरा रहे थे और एक दूसरे के घर जला रहे थे. यानी प्रदेश की सबसे बड़ी जनसंख्या यानी मैतेई प्रदेश के सबसे कम भूभाग में रहती है. अब यहीं पर मैतेई की उस डिमांड का जिक्र आता है जिसके अधीन हिंसा की नींव रखी गई, अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग. मैतेई समुदाय के लोगों को एसटी का शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस क्यों चाहिए? ये सवाल तब उठ रहा है पूरी बहस में क्योंकि जब वो लोग वैली में जो घाटी है मणिपुर की उसमें सबसे ज़्यादा संख्या में हैं और यही नहीं मणिपुर की जनसंख्या में उनका सबसे बड़ा हिस्सा है. तो शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिलने से उनको लाभ क्या मिलेंगे, वो क्या हासिल करना चाह रहे हैं और क्या शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मांगने वाली लड़ाई जो है उससे ही ये पूरी हिंसा होने वाली है, इसके जवाब अब ढूंढते हैं. दरअसल स्थानीय राजस्व नियमों के कारण मैतेई पहाड़ में ज़मीन नहीं खरीद सकते, लेकिन बाहरी लोग इम्फाल में ज़मीन खरीद सकते हैं. मैतेई की जनसंख्या बड़ी है और उन्हें एक क्राइसिस का डर है कि आगे आने वाले समय में उनके पास रहने और फैलने की जगह नहीं बचेगी. शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमेटी द्वारा उठाई गई शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में शामिल करने की मांग से ही चीज़ें तेज़ी से बिगड़ी. हमसे बातचीत में इस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बताते हैं कि इस मांग का असल मतलब क्या है. वो कहते हैं कि ये ज़मीन के लिए ज़रूरी है.
why the Maitreya's warning status is, if you know the geography of Manipur, of the total geographical area of Manipur, 8%, that is 1,790 square kilometers only, is the valley area. And in this valley area, there are the majority of the population is settled here. That it is the, this is the only land available to the Maitreyas to live. There is no other second option for this in Manipur. This ancestral land of ours, because of the government's policy, this small valley area of 1,790 square kilometers has been left unprotected, whereas the 92% of the areas and the hills are protected. As a result, we have these, not only the Maitreyas, we have the mainlanders here, we have these, the Muslim population here, and then we have these Gurkhas here, then we have the, at least about 10% of the people who dwell in the hills would also be living here in this. So the demographic change that has been taking in the last few decades has resulted in a change of democracy such that in 1951 census, there were 59% Maitreyas in this valley area of Manipur. Then in 2011 census, the number has reduced to 44% only. So there is a general decline of the population of Maitreyas in this small valley area. So the only option to protect this land and our identity, the land is required to protect our identity, is to be given scheduled tribe status, the constitutional protection, which will protect our land and identity. So you have made a mention about quotas and other reservation. You keep that reservation quota with you here. We just give us the land to stay. I'm asking again, hum idhar se jaye to kahan jaye? Let's give us at least a democratic right to live in a place, a piece of land that was handed down to us by our ancestors. We're not asking for the entire Manipur. We're asking for a piece of 8% land in which the Maitreyas are the majority, but it is not exclusively for the Maitreyas alone. लेकिन कुकी समुदाय के विरोध की वजह को भी जानना जरूरी है। क्या कुकी समुदाय नहीं चाहता कि मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का लाभ मिले, या इससे कुछ निहितार्थ हैं? कुकी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन केएसओ का नाम इस पूरे प्रकरण में प्रमुखता से लिया जा रहा है। कई केस में तो उन्हें हिंसा का आरोपी भी बताया जाता है, लेकिन केएसओ के प्रवक्ता कहते हैं कि वो राहत कार्य कर रहे हैं। चुराचंदपुर में राहत कैंप चलता दिखता है, जो केएसओ और ITLF इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम मिलकर चला रहे हैं। बता दें कि ITLF आदिवासियों का एक संगठन है, इसमें कुकी समुदाय का प्रभुत्व है। We have talked about the reserve forest, protected forest, and that land issues. And Maitreyas ST demand, they are demanding to the government, it is they are exercising their constitutional rights, fundamental rights, that we have no say. But then they have rather come openly stating that this ST demand is not for reservation, this is about land. Land matlab, the tribals are safeguarded under Article 371C of the Indian Constitution, and you know their Manipur Land Reforms and Land Revenues Act. So the hill districts are scheduled areas and don't come under the purview of the revenue. So the Maitreyas, as they belong to the general category, cannot purchase tribal land. But then today we have so many Maitreyas living in Chuchampul, because they are indigenous to, they may be indigenous to the soil, or rather in through cooperative societies or some other for welfare of the society, they can purchase land as per the law. So they have outrightly categorically stated that the Maitreya ST demand has nothing to do with reservation, but for Maitreyas to, you know, be given the right to settle in, even in the hill districts. And there comes the, that is the crux of the issue. The tribal people of Manipur were arguing because the scheduled caste status, the Maitreyas are quite civilized society. Before hundreds of hundreds, they have been ruled by a king. They are reigned by the kingdom. So we are talking about that. They are civilized society. And then
they will not be suitable to be included in the scheduled tribe list. ये तो गतिरोध की बात हो गई, अब बात हिंसा की। दोनों ओर से हमले करके लाशें गिराई जा रही हैं, घर जलाए जा रहे हैं, दोनों खुद के पास महज लाइसेंसी बंदूक होने का दावा करते हैं, लेकिन फ्रंट लाइन पर दोनों के पास कमोबेश ऐसे हथियार दिखते हैं जिन पर लगे व्यू फाइंडर युवाओं ने पबजी जैसे गेम में ही देखे हैं। शेष दुनाली और एक नाली बंदूकें जिनमें 12 बोर का कारतूस इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये हथियार आए कहाँ से? दरअसल कुकी समुदाय के बीच पहाड़ियों में कुछ उग्रवादियों ने कब्जा कर लिया। इनमें से अधिकांश उग्रवादी गैर कानूनी तौर पर सटे हुए देश म्यांमार से आए। मणिपुर की पहाड़ियों पर पहले गांजे और फिर अफीम की खेती करने लगे। सूत्र बताते हैं इससे उग्रवाद और ड्रग्स का एक घातक कॉकटेल तैयार हुआ। 16वीं और 17वीं सदी में बर्मा, थाईलैंड और लाओस में पनपे नशे के सुनहरे त्रिकोण को इससे मदद मिली, जहां अफीम के बगान ही बगान हैं। फिर नशे की सुरक्षा के लिए हथियार आए तो स्थिति और घातक हो गई। तो कुकी उग्रवादियों के पास थे अत्याधुनिक हथियार और आम कुकी समुदाय के पास हैं 12 बोर की बंदूकें, कुछ तमंचे, हाथ से बनी हुई तोप और गुलेल। वो गुलेल जिसके बारे में कहा जाता है कि गोली से तो बचा भी जा सकता है, मणिपुरी की गुलेल से बचना लगभग नामुमकिन है। मणिपुर में हिंसा किस स्तर की हो रही है जानते हैं? हम काकचिंग जिले के चंदोनपोकी गांव पहुंचे तो गोलीबारी शुरू हो गई। जो हुआ जैसे हुआ वो देखिए। तो कुकी लोग का बात सुन रहे हैं? कुकी लोग मणिपुरी बात मतलब चिरा रहा है। हम लोग क्या बोल रहे हैं? बोल रहा है कि अंदर में आओ, अंदर में आओ, फाइटिंग करेगा ऐसा बोल रहे हैं। एक बार आओ मेरे। लोग जैसा बता रहे हैं स्नाइपर भी यूज किए जा रहे हैं। सब लोग वहाँ से अभी फेयर कर रहे हैं, कुकी गए। मेरे को मणिपुर में थोड़ा डिफेंस का मेरे को वहाँ से रहता है। सब लोग कुकी का मिलिट्री फोर्स है। सब लोग मेरे को गांव कितना गांव में सब लोग आग चलता है, ख़त्म हो जाए। किसका फायरिंग सुनाई दे रहा है अभी? उसका कुकी का है। और इधर से मैते लोग? मैते लोग सब लोग भाग गएगा। फायरिंग नहीं कर रहा वो लोग? मैते लोग को फायरिंग नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैते ही समुदाय के पास हथियार कैसे आए? 3-4 मई की हिंसा के बाद इम्फाल में लूट हुई। मैतेई लोगों ने मणिपुर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, पुलिस थानों और इंडिया रिजर्व बटालियन IRB के कैंप से हथियार लूट लिए। अलग अलग सूत्र इन हथियारों की संख्या अलग अलग बताते हैं, लेकिन संख्या 1000 राइफल और हजारों राउंड गोलियों के आसपास जाकर रुकती है। जिन बंदूकों का इस्तेमाल पुलिस और IRB को करना था उसका इस्तेमाल अब मैतेई समुदाय के लोग कर रहे हैं। इसके अलावा मैतेई समुदाय के लोगों के पास कुछ तमंचे, तलवारें और गुलेले भी मौजूद हैं। यानी दोनों ही समुदाय अपने दांतों और नाखूनों तक हथियारों से लैस हैं। उनके पास वॉकी टॉकी है, बाइनोकुलर्स हैं। यानी क्या ये लोग इस युद्ध की, इस जंग की पहले से तैयारी कर रहे थे? अब समझते हैं कि दोनों ओर से किन संगठनों का नाम युद्ध में बार बार लिया जा रहा है। मैतेई समुदाय की ओर से बात करें तो मैतेई लिपुन, आरंबाई टेंगोर और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी। इसके अलावा कोकोमी का भी नाम लिया जाता है। वहीं कुकी समुदाय की ओर से कुकी नेशनल आर्मी, कुकी रिवॉल्यूशनरी आर्मी, जोमी रिवॉल्यूशनरी आर्मी और KSO का नाम लिया जाता है। इसमें कोकोमी और KSO मणिपुर में हो रही हिंसा के बीच राहत कार्यों में लगे हुए हैं। हम यहां साफ शब्दों में कह दें कि दोनों ही समुदायों के लोग अपनी ओर लगाए जा रहे आरोपों को खारिज करते हैं। दोनों ही पक्ष कहते हैं कि हमला सामने वाला करता है, हम बस डिफेंस कर रहे हैं। दोनों ही कहते हैं कि बीरेन सिंह सरकार से कुछ नहीं होगा, केंद्र सरकार से ही उम्मीद बची हुई है। फिर जब बीरेन सिंह की सरकार ने नशे पर हमले और अवैध लोगों को निकालने का दावा किया तो स्थिति और घातक हो गई। अफीम के खेत उजाड़े जाने लगे। कुकी समुदाय के लोगों को अवैध शरणार्थी करार देकर पहाड़ियों से बेदखल किया जाने लगा। मैतेई कहते हैं कि उन्हें दौड़ा कर मारा गया, और लेकिन कुकी इन आरोपों को नकारते हैं। कहते हैं कि उन्होंने लोगों को बेहद आराम से भिजवाया था। ग्राउंड पर दोनों ही समुदायों के दावे झूठे लगते हैं। We the tribals didn't harm any of our brothers, brother mates in the hills. Instead, even those who are disabled, those who are old, we dropped them to the camps, and our pastors are offering prayer, and we are giving them food, water, whatever is required. Instead of hurting them or hitting them,
we are taking care of them so that they move to their the valley. Since we are kicked out of the Imphal Valley, that is what we are doing. अब सारी लड़ाई इस बात पर आकर टिक गई है कि कैसे इन समुदायों को हथियारों से फ्री किया जाए ताकि हिंसा रोकी जा सके। इसको लेकर हर पक्ष की निगाह केंद्र सरकार और केंद्रीय फोर्सेस पर जाकर टिक गई है। कुकी और मैतेई समुदाय के लोग ही नहीं, अब तो कई विधायक भी इस बात को कहने लगे हैं कि बीरेन सिंह से यदि स्थिति नहीं संभाली गई तो राष्ट्रपति शासन लगाकर शांति लानी चाहिए। निर्दलीय विधायक निशिकांत संपम जो कहते हैं वो सुनिए। अभी फिलहाल जो चल, वैसे राष्ट्रपति शासन वैसे आइडिया बुरा है हमारे लिए फॉर अ डेमोक्रेसी, बट मेरा कहना है कि अगर ये ठंडा नहीं हुआ तो फिर क्या उपाय है सरकार के पास, ठंडा करना पड़ेगा ना। लेकिन भाजपा के विधायक अभी भी बहुत उम्मीद से भरे हुए हैं। भाजपा विधायक जयकिशन के पास एक चालू किस्म का जवाब है, सरकार जरूरी कदम उठा रही है। वी आर नॉट कंसर्निंग अबाउट बर्निंग ऑफ मैटे हाउसेज और कुकी हाउसेज, वी आर कंसर्निंग अबाउट burning of Manipuri houses. We are trying to save Manipur as a whole. This is just misunderstanding between hill and plain brothers. So we are trying to solve it softly. We cannot do it in a very hard way. That's why it is taking time. It will be controlled. लेकिन ये डेडलॉक कैसे खत्म होगा? क्या अमित शाह का वादा और अपील अपना काम कर जाएंगे या कुछ और चीजों की ओर ध्यान देना जरूरी है? पहले जानते हैं कि कुकी समुदाय क्या चाहता है। मॉडर्न 250 churches are burned, more than 1,500 villages have been burned, and more than 4,000 houses are burned. So with this atrocity, I don't think we are in a position to live together with the Métis anymore, because the cut is too much now. It's too deep. Obviously, the Métis communities, they kill us, they hated us. And before this crisis exists, they call us, foreigners, immigrants, poppy cultivators, all these names, So the communal war was started by them only, telling us that the Kukis are refugees in Manipur. As of now, yes, considering the situation here, total separation from Manipur is the only solution. और मैतेई समुदाय भी कई डिमांड से लैस है। एनआरसी लगाना, उग्रवादियों को आतंकी घोषित करना और कहीं कहीं तो पूरे कुकी समुदाय को मणिपुर से बेदखल करने की भी डिमांड सुनाई देती है। You want NRC? To identify the immigrants from, especially from Myanmar. We want NRC so that we can identify this unlawful immigrants from, especially from Myanmar. हम बर्मा बाहर का ही है। अच्छा। बाहर से भाग के आए हैं, जितना भी कुकी है मणिपुर में सब बाहर का ही है और वो सब मिलिटेंट्स है, टेररिस्ट है, जितना भी कुकी है। हाँ, सब बसाया और बाहर का भी जितना है, इन लोग का फैमिली है और फिर बाहर का आ गया और सब बसाया और अभी उन लोग अपना कुकी लैंड मांग रहे हैं, लेकिन ये हमारा मणिपुर है और कुकी का नहीं बन सकते, कभी भी नहीं बनेगी, ये सब हमारा मणिपुर का ही है और हमारा मैतेई के ही रहेगा ये मणिपुर। और ये जितना भी पब्लिक है मणिपुर में, हमारा अपील ये है कि सरकार जल्द से जल्द कुकीलों को, जल्द से जल्द उन लोग को सब भगा दीजिए मणिपुर से। मणिपुर मैतेई का ही है, सब मिलिटेंट्स है। इसलिए लोगों ने भी अपनी मोर्चेबंदी कर ली है। कुकी और मैतेई समुदाय के लोग अपने अपने इलाकों में रोड ब्लॉक करते हैं, पता करने के लिए कि क्या गाड़ी में कोई दुश्मन समुदाय का बंदा तो नहीं बैठा है। पत्रकारों को एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने के लिए मैतेई पंगाल यानी मुसलमान ड्राइवरों की मदद लेनी पड़ती है। ये ड्राइवर सामने वाली पार्टी से फ़ोन पर बात करने के लिए हेलो बोलने के बाद सबसे पहले ये बताते हैं कि वो मैतेई पंगाल हैं, ताकि उन्हें मार न दिया जाए। इन्हें दोनों ही समुदाय अपना दुश्मन नहीं मानता है। रोड ब्लॉक कर रहे लोग ये भी चेक करते हैं कि कोई दुश्मन पार्टी की मदद तो नहीं कर रहा है। इस जांच में दिन में ये लोग तामुल यानी पान का सहारा लेते हैं तो रात में चावल से बनी लोकल शराब का। एक कुकी महिला हमसे कहती हैं कि 5-6 घंटे सबका शिफ्ट है, सबको खड़ा रहना है, हम लोग तामुल दारू के बिना कैसे रहेगा। मैतेई और कुकी की मोर्चेबंदी में दुकानों और घरों की शिनाख्त भी होती है। कुकी इलाकों में घरों दुकानों में ट्राइबल लिखा मिलता है, जिन घरों पर नहीं लिखा था वो मैतेई के घर थे और जल चुके हैं। मैतेई इलाकों में नगा, हिंदू दुकान, मैतेई पंगाल और मुस्लिम दुकान लिखा मिलता है।
जिन पर नहीं लिखा है वो कुकी का घर है और जल चुका है। लोग बेसब्र हैं एक आरामदेह और कर्फ्यू मुक्त मणिपुर के लिए, जिंदा रहने के लिए। स्थानीय ड्राइवर रोनाल्ड कहता है कि मेरे को रोज पे फोन पे आंसर नहीं देना है कि मैं जिंदा है, मेरे को इंस्टाग्राम पे आराम से रील देखना है। लेकिन रोनाल्ड जैसे बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि उनका प्रदेश एक और हथियारबंद युद्ध में फंस चुका है। बिना किसी संदेह के दोनों ही मोर्चों पर अत्याधुनिक हथियार पहुंच चुके हैं, दोनों ही एक दूसरे की लाशें गिराने में व्यस्त हैं और दोनों ही उग्रवादी अपने अपने समुदाय के लोगों को और खतरे में डाल रहे हैं। बंदूक वालों की कारस्तानी आम जनता को भोगनी पड़ रही है। हर मणिपुर के मन में एक डर है, वो डर है मौत का। ये मणिपुर का एक और सच है।